ऑफ लेकर आ रहे हैं बॉलीवुड की अब तक के सबसे खतरनाक एक्शन फिल्म। हॉलीवुड की रैम्बो का होने वाला है बॉलीवुड में धमाकेदार रिमेक। जब बात एक्शन फिल्मों की आती है तो हमारे माइंड में कई सारे एक्शन हीरो की लिस्ट आ जाती होगी, लेकिन इस लिस्ट में सबसे टॉप पर टाइगर श्रॉफ ही होंगे, क्योंकि टाइगर श्रॉफ जैसा बॉलीवुड में बहुत ही कम एक्शन हीरो है जो उस लेवल का एक्शन कर पाते हैं जो हमें टाइगर की फिल्मों में नजर आता है। टाइगर की बॉलीवुड में भी छवि अजय एक्शन हीरो की ही है। उनकी एक्शन फिल्में आए और फैंस में एक्साइटमेंट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। उनकी कैसी भी खराब फिल्म क्यों ना हो, लेकिन एक्शन फिल्म आराम से 10 करोड़ की ओपनिंग ले लेती है और नए जनरेशन के एक्टर के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है। हालांकि अभी टाइगर को एक चीज की ध्यान रखनी पड़ेगी और वो है स्टोरी। टाइगर की फिल्मों में अभी स्टोरी अच्छी देखने को नहीं मिल रही और टाइगर इस चीज को लेकर काफी सीरियस भी नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि टाइगर अब बिना सरपैर वाली कहानी पर काम नहीं कर रहे। अभी टाइगर के पास 2 फिल्में हैं, वो भी धमाकेदार। एक है गणपत, जिसकी स्टोरी इतनी बढ़िया है जब आप फिल्म में देखेंगे आपके होश उड़ जाएंगे। ये फिल्म पास्ट की नहीं बल्कि फ्यूचर को लेकर बनाई गई है। फिल्म की जो कहानी होगी वो 2070 की होगी, यानी कि आज से 50 साल बाद दुनिया में क्या होगा वो हमें दिखाया जाएगा। जबकि बात करें हम BMCM की, तो वो फिल्म की भी कहानी काफी तगड़ी होगी, जिनमें अक्षय और टाइगर श्रॉफ नजर आएंगे और वो दोनों के पुनर्जन्म होंगे, यानी कि ये फिल्म 2 जन्म की कहानी होगी। ये भी काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग नजर आ रही है। और बात करें हम तीसरी फिल्म, वो होगी रैम्बो। रैम्बो फिल्मों को लेकर पिछले 5 से 6 सालों से चर्चे हो रहे हैं। जब टाइगर श्रॉफ ने उनके करियर की शुरुआत की, 2-3 साल बाद ही खबरें आना शुरू हो गई थी कि टाइगर श्रॉफ जल्द ही रैम्बो फिल्म का रिमेक करने वाले हैं। और ये न्यूज कंफर्म भी थी, लेकिन फिर कुछ राइट्स के चलते ये फिल्मों को डिले किया गया। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि रैम्बो ऑलरेडी हॉलीवुड में बन चुकी है और वो फिल्मों में लीड रोल में सिल्वेस्टर स्टैलोन थे, जो कि हॉलीवुड के एक अच्छे एक्शन हीरो है। अब ये फिल्मों को हिंदी में बनाने के लिए हॉलीवुड के प्रोडक्शन हाउस से रैम्बो के राइट्स खरीदना बहुत ही जरूरी है और इसी चीज में इश्यू आ रहा था, इसके चलते ये फिल्म डिले हो रही थी। लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही है कि रैम्बो के हिंदी राइट्स मेकर्स को मिल चुके हैं, बस अब वो हिंदी की स्टोरी में काम कर रहे हैं। जैसे ही काम कंप्लीट होगा, रैम्बो फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा और फैंस को बड़ा सरप्राइज मिलेगा। फिलहाल दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड है रैम्बो फिल्मों को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये न्यूज पसंद आई है तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए फिल्मी जासूस को जरूर सब्सक्राइब करें।